हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीकोड एग्जाम डिफेंस। मैं मिर्जा एहतिशाम बेग, आपका मैथ्स एजुकेटर। आज आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करूंगा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यही आपकी कैलकुलस की न्यू डालेगा। ठीक है, क्योंकि अभी अभी तक के आप फंक्शन वगैरह के चैप्टर पढ़ चुके हैं, पर अब उसमें कुछ और कॉम्प्लिकेटेड रूल्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से हम इन चैप्टर्स का इस्तेमाल करेंगे उसको सॉल्व करने में। क्योंकि किसी भी आप फंक्शन को ही सॉल्व करते हैं, ये बात ध्यान रखिए, और ये आपका क्या है, ये फाउंडेशन बनाएगा आपकी कैलकुलस की। क्योंकि आगे आने वाले जो आपके चैप्टर हैं, डिफरेंशिएशन है और इंटीग्रेशन, ये उसका इस्तेमाल इसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। ठीक है, उनके क्वेश्चंस को हम इसकी हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं लिमिट क्या है। जैसा इसका नाम है आपके सामने, आप बोल सकते हो कि एक तरीके की रिस्ट्रिक्शन हो सकती है। ठीक है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन एक्स एट पॉइंट ए एग्जिस्ट, यानी वो उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करनी चाहिए इफ एक्स अप्रोचेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी अगर लेफ्ट से भी जाओ या राइट से भी जाओ तब भी आपका काम बनना चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं, किसी भी एक फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो आप सपोज करिए कि आपका ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस टू या थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू, मैं ले लेता हूं। ठीक है, तो आप यहां पे समझिए कि जैसे आपसे कहा कि टू पर एग्जिस्ट कर रही है, तो टू पे एग्जिस्ट क्या कर रही है, चलो देखते हैं। टू 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 का स्क्वायर, यानी जहां जहां पे एक्स की जगह, जहां जहां पे एक्स है उसकी जगह पे हम टू पुट कर देंगे, यानी तीन चौक बारह माइनस दो दस। यानी अगर आप देखें तो जब आप वैल्यू एक्स की टू पुट कर रहे हैं तो आपका फंक्शन वैल्यू दे रहा है क्या 10, जिसको हम y के सपोज भी कर सकते हैं। यानी हम इसको, ये तो आपका साधारण फॉर्म हुआ लिखने का, हम इसको लिखने का एक और तरीका बता सकते हैं। क्या वो तरीका होगा, आपका लिमिट ऑफ x टेंड्स टू टू f ऑफ x, यानी f ऑफ x क्या है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू। सिंपल, देखिए यहां पे अभी अल्जेब्रिक रूल हम पढ़ेंगे आराम से, लेकिन फिलहाल ये चीज समझ लीजिए। यानी आपको क्या करना है, इसका भी मतलब यही है, यानी आप x के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे 2, यानी आपको यहां पर वैल्यू कितनी मिलेगी 10 अगेन। ठीक है, आपको अगेन 10 वैल्यू मिलेगी। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे अगर मैं बोलूं कि 2 के कुछ इर्द गिर्द वैल्यू जो होगी, यानी अगर मैं बोलूं कि लिमिट x टेंड्स टू a था, तो हो सकता है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस हो और लिमिट x टेंड्स टू ए माइनस हो। यानी हम बोल सकते हैं कि ये जस्ट पहले की बात करें, अगर हम ग्राफ की बात करें तो ये जैसे 2 है, तो 2 के जस्ट पहले कौन होगा 1.9 और 2 के जस्ट बाद कौन होगा 2.1। तो चलिए हम पुट करके देखते हैं कि क्या ये उस वैल्यू के तरफ दौड़ रहे हैं कि नहीं दौड़ रहे हैं। चलिए देखते हैं, अगर हम यहां पे 1.9 पुट करें x की जगह पे, तो 1.9 करने का मतलब है 3 इंटू 1.9 क्या होता है 3.61, 19 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कितना हो गया 3, 3, 3, 6, 18, 3, 9, 10, और यहां से 2 माइनस होगा यानी आएगा 8.83, तो 8.83 बना। अगर मान लो हम 1.8 पुट करें, 1.8 पुट करते हैं वैल्यू x के प्लेस पे, तो ये आपका क्या होगा 3 इंटू 3.24 माइनस 2, तो ये आपका हो जाएगा 9.72 माइनस 2, यानी 7.72। तो हम यहां पे क्या देख रहे हैं कि अगर हम वैल्यू को 1.8 से 1.9 करते हैं तो वैल्यू आपकी जो फंक्शन की जो वैल्यू मिलेगी वो 7.72 से 8.83 की तरफ जाएगी। यानी जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं, अब हो सकता है आगे जाके आपकी 1.99 हो, 1.999 हो, तो ये करीब बढ़ती जाएगी किसके, द फंक्शन वैल्यू 10 के। तो अब यहां पर हम इसको कैसे करेंगे, और अगर आप यहां पे खुद सोचिए, अगर आप यहां पे बाद में पीछे रख लेंगे, अगर यहां पे 2.1 कर लें, बढ़ा दें, तो भी क्या होगी 3 इंटू 2.1 का होल स्क्वायर माइनस 2, यानी ये आगे बढ़ती जाएगी, यानी 4.41 मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी 3 3 चौक 12 3 चौक 13 माइनस 2, यानी 11.23, यानी क्या हुई, जस्ट आगे बढ़ गई। तो अब यहां पे समझने की जरूरत है हमें कि जैसे जैसे फंक्शन नियर होता जाएगा वैसे वैसे वैल्यू के करीब होता जाएगा। तो यहां पर आपकी क्या हुई, सिंपल वे में हमने इसको समझा दिया, पर अब बात यह आती है कि तो फिर फर्क क्या है, हम डायरेक्ट ऐसे ही कर ले, हम इतना तीमझाम क्यों कर रहे हैं। चलो तो यहां पर समझो, जैसे मान लो मैंने एक और फंक्शन दिया 2x² - x - 1 / x - 1, अब बताओ इसमें लिमिट लगेगी, लिमिट आपकी सॉरी 1 पे लगेगी। ठीक है, तो जैसे ही आप 1 पे लगाओगे तो 2 - 2 / 1 - 1, यानी ये कंडीशन क्या बनने लगी 0/0। अब ये 0/0 कंडीशन आ रही है आपकी डायरेक्ट वैल्यू पुट करने के बाद, इसका मतलब है यहां पे आपका फंक्शन मेथड क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तब हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, लिमिट की प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ेगी।
तो चलिए देखते हैं आगे लिमिट की क्या प्रॉपर्टीज हैं, उनको समझने में क्या मदद मिलेगी। देखिए अभी आपने अलजेब्रिक रूल पढ़ा, अलजेब्रिक रूल में क्या था कि अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनके बाहर अगर इंडिविजुअल लगा हुआ है, जैसे सपोज कर लिए 2x और एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये दो फंक्शन है, अगर ये दोनों जुड़ रहे हैं या घट रहे हैं, दोनों पर लिमिट आपकी लगेगी, ये ध्यान रखिए, जो भी एक्स के वैल्यू एक्स टेंस टू दिया होगा। सेम केस होगा अगर आपके साथ कोई कोफिशियंट है, अब यहां पे देखो यहां पे 2x स्क्वायर जैसे होता और लिमिट एक्स टेंस टू 3 होती, तब यहां पे क्या होता, 2 को बाहर ले आते और एक्स स्क्वायर के वैल्यू आप निकाल लेते बाय पुटिंग द लिमिट एज 3, तो 2 पे इफेक्ट नहीं करेगा, यानी कांस्टेंट पे इफेक्ट नहीं। सिमिलरली अगर दो फंक्शन क्या है आपस में मल्टीप्लाई है तो दोनों पे अलग अलग क्या लिमिट लगेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसा मत सोचिएगा जैसे अगर एक्स स्क्वायर और इंटू 2x स्क्वायर प्लस 1, अब ये दो फंक्शन है तो इन दोनों फंक्शन पे क्या होगी, लिमिट लगेगी x टेंस टू, लिमिट x टेंस टू, ठीक है, ये मैंने 0 लिख दिया, आप 0 लिख सकते हो, बात आपकी है, वो आपके ऊपर है जो भी लिमिट में दिया होगा। सिमिलरली अगर ये दोनों डिवाइड में है तो भी दोनों पे अलग अलग लिमिट लगेगी, बट द कंडीशन इज कि डिनोमिनेटर क्वांटिटी 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर क्वांटिटी 0 हो गई तो काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम मूव करते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज की तरफ। हाँ, जैसा मैंने आपसे बताया कि जब कभी भी दो फंक्शन फ्रैक्शन में है और कंडीशन हो रही है कि 0/0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट या 1/0 या कुछ इस तरीके से बन रहा है कि इनफाइनाइट है, ये सारी कंडीशन आपके सामने लिखी है, तब वहां पर जो आप रूल लगाएंगे उसका नाम होगा एल हॉपिटल रूल, और ये एल हॉपिटल रूल काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है, चलिए देखिए, जब कभी भी ये सारी कंडीशंस मैच हुई, यानी ये सारी कंडीशंस को एक लाइन में बोलता हूं मैं नॉट डिफाइंड, यानी ऐसी कंडीशन अराइज हो रही है कि नॉट डिफाइंड की सिचुएशन आ रही, तो वहां पर आप एल हॉपिटल रूल लगाएंगे, और एल हॉपिटल रूल कहता है कि आप उन दोनों का डी बाय डी एक्स यानी डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, ऑलराइट, यानी दोनों को डिफ्रेंशिएट। जैसे अगर मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल जो लिया था उसको देखिए, प्रीवियस एग्जाम्पल जो लिया था उसको आप ले सकते हो, वो बहुत ही कारगर रहेगा। अब यहां पे देखो, यहां पे कंडीशन क्या बन रही थी 0/0 की, तो हम क्या करेंगे, एल हॉपिटल रूल लगाएंगे, और एल हॉपिटल रूल लगाने के बाद लिमिट लगाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहले लिमिट लगा के आप देख चुके हैं वहां पे फंक्शन का मेथड आपका फेल है, तो ये हो जाएगा 4x-1/1। अब लिमिट लगाइए, पुट करिए 1 पे, यानी 1 पे डज नॉट एग्जिस्ट हो रही थी ना, तो यहां पर जब आप पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3, अब एग्जिस्ट करने लगी, तो ये आप कर सकते हैं। इसीलिए यहां पर क्या है, एल हॉपिटल रूल का इस्तेमाल होगा व्हेन यू आर डीलिंग विद लिमिट प्रॉब्लम्स एंड द कंडीशन अराइजेस विद द नॉट डिफाइंड वैल्यू, ओके। चलिए अब यहां पे देख सकते हैं आप कुछ और रूल है, अगर पावर n है तो आप ये कर सकते हैं, जैसे सपोज करिए आप ये बोल सकते हो x प्लस 1 का होल क्यूब, भाई ये फंक्शन है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a, यानी इसका मतलब है आप सिंपल बोल सकते हो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a x प्लस 1 टू द होल क्यूब, ठीक है। अब यहां पे लिमिट x टेंड्स टू a अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो आपको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रहने दीजिए और सिर्फ लिमिट लगाइए जो उसके ऊपर फंक्शन वाली वैल्यू लिखी है, यानी अगर हम देखें तो लिमिट यहां पर क्या हो जाएगी, लॉग ऑफ एफ एक्स, यानी सॉरी अगर दूसरे वाले का देखें तीसरे नंबर पे, अगर यहां पे लॉगरिथम की वैल्यू है तो आप लिमिट क्या लगा सकते हो, सिर्फ किस पे लगाओगे, लिमिट लगाओगे सिर्फ जो फंक्शन है, ध्यान रखिए लिमिट हमेशा किस पे लगेगी, यू नीड टू हैव अ फंक्शन, फंक्शन है तो काम बन जाएगा। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देख लीजिए, इसको आपको ध्यान में रखना है, जैसे ये अगर मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे एक्स टू दी पावर एक्स प्लस 1 अगर इस तरीके से दिया हुआ है और यहां पे लिमिट लग रही है एक्स टू दी पावर एक्स टेंस टू 0, तब आप क्या करोगे, तब यहां पर होगा ई टू दी पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0 और जी एक्स आपका क्या है, भाई ये जी एक्स है तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 और आपका ब्रैकेट में आएगा लॉग ऑफ एफ एक्स यानी एक्स, सिंपल। अब ये वैल्यू आप यहां पर रख सकते हो और देखो आपका आंसर आ जाएगा e टू दी पावर 1, क्योंकि log x log 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ऑलराइट, रिमेंबर दैट। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, तो बस इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे करा दिया, ये ध्यान रखना क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी। चलिए मूव करते हैं पहले सवाल की तरफ और हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है, लिमिट, लिमिट अगर हम देखें यहां पर लिखा हुआ है लिमिट, तो अब इसको आप कैसे करेंगे,
बस ये चीज समझिए। देखिए यहां पे दिया हुआ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉस एक्स डिवाइड बाय पाई माइनस एक्स। अब यहां पे आप देखिए तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि अगर आप एक्स की वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो यहां पर क्या बनने लगेगा। देखिए एक्स की वैल्यू पहले आप चेक करके देख लो कि क्या जीरो बाय जीरो बन रहा है कि नहीं। तो यहां पे वैल्यू पुट करो तो यहां पे वन हो गया और यहां पे कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा। तो हमें जरूरत नहीं पड़ी लॉपिटल रूल लगाने की, हमारा पहला आंसर क्या आया इजी वे में आ गया। डी ऑप्शन मिस हो गया, यहां पे डी ऑप्शन जान लीजिएगा नन ऑफ दीज होगा, ठीक है नन ऑफ दीज। ऑलराइट तो हमारा आंसर क्या है वन बाय पाई, सिंपल। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल था, घबरा मत जाना। इस सवाल को देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन 2x प्लस 4x डिवाइड बाय 2x प्लस साइन 4x। ओके अब यहां पे आप जीरो पुट करेंगे तो ये साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है जीरो, यहां पे भी जीरो, यहां पे भी जीरो, यहां पे भी जीरो। इसका मतलब है जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रहा है, यानी हमें सॉल्व करना पड़ेगा इसको। कैसे यूज एल ऑपिटल रूल, एल ऑपिटल रूल यूज करोगे तो साइन 2x क्या हो जाएगा कॉस 2x, और यहां पे 2x अभी करोगे तो 2, ठीक प्लस 4 डिवाइड बाय 2 प्लस cos 4x इंटू 4। अब यहां पे क्या कर सकते हो x टेंड्स टू 0 लिमिट लगा सकते हो, क्यों, क्योंकि आपने एल ऑपिटल रूल लगा के डिफरेंशिएट कर दिया और d बाई डी एक्स ऑफ साइन x क्या होता है cos x के बराबर होता है। आई होप ये बेसिक तो आप सभी को आता होगा। अब यहां पे पुट करेंगे आप तो यहां पे क्या आएगा 2 इंटू cos 0 की वैल्यू 1 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 प्लस 4, यानी आपका आंसर कितना हो गया अगर आप यहां पे देखें तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस हाँ ठीक है 4 यानी 6 बाय 6, यानी आपका आंसर साफ साफ दिख रहा है कितना हो रहा है भाई 1 के बराबर हो जा रहा है। तो ये आपके लिए क्या था इजी क्वेश्चन था और आपने इसे इजी वे में सॉल्व भी कर लिया, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अब अगला वाला देखो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय एक्स लॉग ऑफ वन प्लस एक्स। तो अब यहां पे समझिए यहां पर एक डिफरेंशिएशन का रूल आपको पता होना चाहिए, आई होप बेसिक रूल्स आप सभी को पता होंगे। तो अगर यहां पर आप देखें तो यहां पे आप जीरो पुट करेंगे तो यहां पे जीरो आ रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी जीरो आ रहा है, इसका मतलब है नॉट डिफाइंड की सिचुएशन बन रही है। अब क्या करना होगा हमें दोनों फंक्शन को क्या करना होगा डेरिवेट करना होगा, और यहां पर डेरिवेट करने के बाद हमें वैल्यू मिल जाएगी। देखो जब कभी भी हमारा डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन होगा तो हमारा जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सॉरी फर्स्ट फंक्शन है ठीक है। तो यहां पर आपकी वैल्यू आ गई, ऑलराइट यहां पर आपकी वैल्यू आ गई। अब यहां पर आप इजी वे में इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो जरा गौर से देखो भाई, वन माइनस कॉस एक्स आपका क्या होगा वन प्लस साइन एक्स, सॉरी वन तो हट जाएगा साइन एक्स आ जाएगा प्लस का, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स आपका होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब यहां पे देखो फर्स्ट दो फंक्शन है तो दो फंक्शन के लिए आपको फर्स्ट और सेकंड का रूल लगाना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो लॉग एक्स का आपका डिफरेंशिएशन होता है वन बाय एक्स, याद रखना ठीक, प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके अब आपके पास ये रूल आ गया तो अब आप क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, हमारा काम बहुत ही आसानी से हो सकता है। एक बार और देखते हैं, चलो अगर जैसे ही हमने जीरो पुट किया फिर यहां पर क्या आने लगा जीरो न्यूमरेटर में, चलो न्यूमरेटर में जीरो आ रहा है पर डिनोमिनेटर में क्या जीरो आना चाहिए, चलो देखते हैं। देखो यहां पर जीरो हो जाएगा प्लस यहां पर भी क्या हो जाएगा जीरो, यानी जीरो बाय जीरो कंडीशन बन रही है। अगेन हमको क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा आपका फिर कॉस एक्स डिवाइडेड बाय, अब देखो फिर यहां पे, अब यहां पर क्या हो सकता है आप कैसे कर सकते हो, यहां पे जब आप लगाओगे तो ये आपका बनेगा वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स। अब यहां पर आप वैल्यू पुट करो जीरो की, आपको इजी वे में आंसर मिल जाएगा, यानी वन बाय टू विल बी अ करेक्ट आंसर, यानी आप अब यहां पर क्या लगा सकते हो लिमिट लगा सकते हो, इस बात का ध्यान रखना ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा भाई, देखो यहां पे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो क्या होता है सेकंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन और सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर,
तो हमने वही किया, सेकंड फंक्शन को होल स्क्वायर किया, किस कंडीशन में, इस कंडीशन में। तो यहां पर आप एक तरीके से बोल सकते हो कि डिफरेंशिएशन का भी मेथड सीख रहे हो, ठीक है। चलिए अगला लिमिट, यहां पर अब देखो जरा, ये देखो प्रीवियस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन को देखिए, जस्ट ऑपोजिट है। तो अगर प्रीवियस वाले की वैल्यू आपकी 1/2 आ रही है तो इसकी वैल्यू आपकी क्या आएगी, 2 आएगी। सिंपल, हमें इसे सॉल्व नहीं करना है, या आप घर पे आराम से बैठ के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं अपने अगले सवाल को। अब यहां पर देखो ये सवाल इंटरेस्टिंग है, इस सवाल को आप कैसे करेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 एक्स माइनस 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब आप कहोगे कि सर पुट करते हैं वैल्यू, वैल्यू पुट करोगे तो कहोगे 0/0 आ रहा है, आप कहोगे एल ऑपिटल रूल लगा दें, पर हमें एल ऑपिटल यहां पर लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे, x टेंड्स टू 2 है तो अगर हम यहां पे इसको ब्रेक करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और x माइनस 2। अभी इसका प्रॉपर्टी बताऊंगा आगे, सेकंड पार्ट में इसकी प्रॉपर्टी है। तो यहां पे x माइनस 2 कैंसिल हो गया, यानी लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 1 अपॉन x प्लस 2, यानी आपका सब पॉजिटिव, यानी आंसर 1/4। करेक्ट आंसर बी वाला करेक्ट है। तो देखिए यहां पे हो क्या रहा है, ये अभी मैं रूल में बताऊंगा आगे, और इसके ऊपर कई सवाल कराऊंगा जो आप डायरेक्ट देख के कर सकते हो, वो ऐसी ट्रिक बता दूंगा रूल के हिसाब से, बस याद रखना है आपको कि वो रूल क्या था, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अब इस सवाल को देखिए, यहां पे ये सवाल थोड़ा सा आपके लिए लेंदी है, और ये ध्यान रखिए ये प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। अब कैसे करोगे, देखो यहां पे इनफाइनाइट आ रहा है, इनफाइनाइट अगर जैसे ही पुट करोगे तुम्हारा सारा वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगा, तो नॉट डिफाइन हो रहा है। अब तुम कहोगे कि हम लगाते हैं यहां पर एल ऑर्बिटल रूल, पर रुक जाओ, पहले एल ऑर्बिटल रूल लगाने की जरूरत नहीं है, पहले हम क्या करेंगे इसको हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। यानी अगर हम एलसीएम ले तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स 1 प्लस एक्स माइनस बी 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, ठीक है, और ये लिमिट के बाहर है। अब यहां पर जब हम करेंगे तो इसको हम यहां पर ओपन करते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा आपका 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी। देखिए आप वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, रूल से भी आपको लेके चलना है। अभी जब आप सेकंड पार्ट में आएंगे तो कुछ और ज्यादा मैं आपको चीजें बताऊंगा। फिर देखो यहां पे फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बन रहा है, तो फिर हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो फिर जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो बचेगा 2x माइनस ए माइनस 2ax माइनस बी डिवाइड बाय 1, ऑलराइट, और ये बराबर है किसके, 3 के। अब यहां पे जरा गौर से देखो, लिमिट टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो अब आपको यहां पे क्या करना है, x को एक साथ कर लेना है और कांस्टेंट को एक साथ कर लेना है। तो यहां पे x वाला टर्म जो हो जाएगा ये 2 माइनस ऑफ 2a ऑफ x, यहां पे लिमिट लगी हुई है, बहुत ध्यान से देखिएगा, x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऑलराइट, और यहां पर हो जाएगा माइनस ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं रही। अब जरा गौर से देखिए, ये 3 के बराबर, तो अगर जरा गौर से देखें आप तो ए प्लस बी की वैल्यू आपकी किसके बराबर है, 3 के बराबर है, ठीक। ए प्लस बी की वैल्यू, माफ करिएगा, यहां पे आपकी माइनस 3 के बराबर है, क्यों, क्योंकि ये माइनस ऑफ ए प्लस बी है, ओके। और यहां पर आपको मिलेगा 2 माइनस 2a बराबर कितना, 0, क्योंकि x का कोफिशियंट राइट साइड कोई भी नहीं है आफ्टर कंपेयरिंग। तो जब हम कंपेयर कर चुके हैं तो यहां पे a की वैल्यू तो आपकी क्या मिल जाएगी, 1। जैसी a की वैल्यू 1 मिली, पुट करो, b की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, माइनस, भाई अगर आप a की वैल्यू 1 पुट करोगे तो b की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, जरा गौर से देखिए, b की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस का 4। इजी वे में आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां पे आपने a की वैल्यू भी निकाल ली और b की वैल्यू भी निकाल ली, तो आपका आंसर पहला वाला तो a है, सॉरी b ऑप्शन है, और दूसरा वाला आपका क्या है, माइनस 4 यानी c, क्योंकि ये दोनों कंबाइंड सवाल है इसलिए इनका आंसर आपने निकाल लिया। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो कुछ और प्रॉपर्टीज को डील करेंगे। सो टिल देन यहीं तक के, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहिए डीकोड पे और वॉच आवर ऑल वीडियोस, ताकि आपका सोल्यूशन और डाउट्स दोनों क्लियर हो सके। हाँ, ये टेलीग्राम चैनल जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।